बीवी की सुनो यार, और क्या है सिंपल लाइफ में, एक ही सिद्धांत होना चाहिए हर एक पति का। मैं भी सुनता हूँ और मैं यही सलाह दूंगा शोएब को कि प्लीज सुना करो बीवी की, क्योंकि बीवी हमेशा राइट होती है और राइट लेफ्ट में हमेशा सुनना चाहिए, राइट में बीवी है लेफ्ट में। हाँ प्लीज, राइट में बीवी राइट और राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। अरे वही आज बड़ा वैसा है कि हम दोनों तरफ से हैं, तो आज हमने फैसला किया कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम करेंगे, खुद ही खातिरदारी करेंगे खुद की, बिकॉज दोनों तरफ से हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम यार, मतलब फाइनली द डे हैज कम जब वो एक हुए हैं, और बहुत खुशी है यार, मतलब बिकॉज वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स। जब भी ऐसे की शादियाँ होती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दो प्यार करने वाले एक हो गए, वेरी हैप्पी फॉर देम। Yeah, we has grown up watching her films and you know, ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके videos देख रहे हैं, मतलब I don't think किसी भी celebrity के जाने का इतना दुख हुआ है, it's shocking, so sudden, it is so shocking कि ऐसा लग रहा है जैसे personal loss हुआ है, so it's a big big loss and I just met her 2 months back, तो मुझे मतलब if we were there, वो एक suddenly कई बार दिन में वो moments आता है जब हम साथ में खड़े थे, मैंने hi ma'am कहा उनसे, बात की, तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो मतलब। एंड वो हमारी एक फ्रेंड है, उसी की बिल्डिंग में रहती थी, तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी, तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी। इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड नो वर्ड्स। फिलहाल तो अभी आज के जो हमने सवाल पूछा है उसके बाद कुछ ध्यान में नहीं आएगा, सो ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।